हाय बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग शाम के टाइम इसलिए क्लास ज्वाइन किया है कि दिन में सबकी ऑनलाइन क्लासेस थी, तो आज हम लोग शाम को काम करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। आज कार्ड बनाएंगे टू समवन स्पेशल। ठीक है, ग्राफिकल डिज़ाइन लेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, स्क्वायर। ठीक है, कुछ बड़े स्क्वायर्स, कुछ छोटे, सिर्फ कंपोजिशन जो है हम लोग करेंगे स्क्वायर से, कंपोजिशन करेंगे और उसको कलर करेंगे, दैट्स इट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन नहीं करेंगे, सिंपल छोटा सा एलिगेंट सा कार्ड बनाना है। ये हम किसी को भी दे सकते हैं, इसमें ख़ास बात यही है कि हम इसको कई ओकेजन्स में यूज़ कर सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली किसी को भी दे सकते हैं, चाहे वो छोटा हो एज में, चाहे वो बड़ा हो हमसे। इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है जिसमें हम सोचें कि ये कार्ड प्रॉपर है देने के लिए या नहीं है, ओकेजन वाइज भी और एज वाइज भी। सिर्फ बॉक्सेस जो है हम बना रहे हैं और इसी से पूरे कार्ड को कंपोज कर रहे हैं, ओनली स्क्वायर्स। ठीक है, एजेस वगैरह हम बाद में जब इसको प्रॉपरली कलर करेंगे तब हम एजेस भी स्मूथ कर लेंगे। अभी हम रफ सा आइडिया ड्रॉ कर रहे हैं कि इज इट वर्क और नॉट। ओके, आई थिंक द कंपोजिशन इज फाइन नाउ। ओके, तो ड्राइंग तो हम लोग ने कंप्लीट कर ली है, अब इसका शेडिंग पार्ट है। तो शेड के लिए क्या करेंगे कि हम ऊपर से चलेंगे तो लाइट शेड लेके चलेंगे और नीचे आके उसको थोड़ा सा डार्क करते जाएंगे। तो अब हम कलरिंग वाले पोर्शन में आ गए हैं, तो थोड़ा सा इसकी एजेस पे भी ध्यान दे देंगे। शेड्स को थोड़ा सा लाइट रखेंगे ऊपर। ठीक है, ओके, okay।
अगर कहीं पे ज़रूरत आपको महसूस हो कि हमें इसको स्केल का यूज़ करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। ठीक है, और कोशिश करें कि स्केल का यूज़ ना ही करना पड़े। यहाँ तक प्रॉपर हमने सिंगल टोन का यूज़ किया है। अब टाइम आ गया है कि हम इस कलर को डार्क करें। तो हम इसमें ब्लू टोन और यूज़ करेंगे। देखते हैं इफेक्ट क्या आता है। ओके, थोड़ा डार्क हो रहा है। सो राइट, जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे हम कलर को डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ से हम और डार्क करेंगे इसको। तो हम थोड़ा सा टोन भी चेक कर लेंगे। ओके, अब यहाँ से हमको रजिस्ट करना है एजेस को। तो हम स्केल रख लेंगे और उसके बाद फिर हम गुड।
to sharp the pencil. जितना स्क्वायर छोटा होता जाएगा उतना पेशेंस के साथ हमें हैंडल करना होगा, क्योंकि उसकी एज को बनाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अगर एजेस परफेक्ट नहीं होंगी तो शेप परफेक्ट नहीं दिखाई देगा। इसमें हम कॉम्बिंग पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं कलर करने में, क्योंकि हमें पूरा हैवी इसको प्रॉपरली भरना है कलर को। ऑप्शन तो वाटर कलर का भी है, बट फिर वही प्रॉब्लम आती है कि वाटर कलर जब हमें कोई काम जल्दी चाहिए होता है तो वाटर कलर इतने जल्दी ड्राई नहीं होता है, और फिर या तो हम वो काम छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, फिलिंग करते टाइम बहुत पेशेंस चाहिए होता है, क्योंकि एक साथ हम बड़े स्ट्रोक्स नहीं ले सकते हैं और अगर हम ज़्यादा प्रेशराइज करेंगे पेंसिल पे, ज़्यादा प्रेशर देंगे तो लाइंस शो हो जाएंगी।
पैची दिखने लगेगा। एक बार में फुल स्ट्रोक नहीं देना है, छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने हैं, हर साइड से लेने हैं। यहाँ पे आके हम थोड़ा सा इसमें ब्लैक टोन हल्का सा देंगे ताकि फॉर द सेक ऑफ डार्कनेस, अदरवाइज इट्स ऑल राइट। इस ब्लॉक में अभी थोड़ी ब्लेंडिंग जो है हल्की सी और करना पड़ेगी। ओके, इट्स डन। नाउ दैट्स इट। ओके, आप इस तरह के बहुत सारे कार्ड्स बना सकते हैं और ट्राई इट। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।